परिवारवादियों ने देश की खदानें बेची, महंगी जमीनें बेची, आकाश बेचा, देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। ये फर्क है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। Prime Minister Narendra Modi once again attacked opposition parties over alleged nepotism and family rule, saying youngsters were being denied opportunity because family interests dominated. मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते, और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे। Telangana, he said, had turned into an ATM for the Congress and said the BRS and Congress were giving fire cover to each other, protecting each other's misdeeds. Congress party ne Telangana ko apna naya ATM bana liya hai. Aap dekhiye, BRS ke logon ne Kaleshwaram ghotala karke किसानों से करोड़ों रुपए लूटे, लूटे कि नहीं लूटे। लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई? चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं। घोटाला बंदर है उनका, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। डे टू ऑफ पीएम्स तेलंगाना टूर स्टार्टेड विद अ विजिट टू द 200 ईयर ओल्ड उज्जैनी महाकाली टेंपल इन सिकंदराबाद। भारतीय होने तक एक 5 मिनट पूरा मेडिटेशन करते हुए ही माता जी का ध्यान करा है उन्हें। The Prime Minister said he had spent his salary and auctioned all gifts he received to raise money for public good, unlike the opposition parties for whom family interest is above everything else. In Hyderabad, with camera person Nagaraju, Uma Sudhir, NDTV.